मिर्गी एक बड़ा खतरनाक रोग है। दिमाग में एक कीड़ा होता है, जब वो भूखा होता है तो वो खाने के लिए कुछ ढूंढता है तो आदमी को बेहोश कर देता है। वास्तविक तौर पर जीवित कीड़ा होता है। हाँ, मैंने पता नहीं कितनों के निकाले हैं। अच्छा, और इस कीड़े की विशेषता है कि जब दौरा पड़ेगा और रोगी के नाक में दवाई डाल दी जाएगी और उसको छींक आएगी तो कीड़ा बाहर पड़ जाता है आके, और जंप लेके फिर दोबारा अंदर चले जाता है, थोड़ी देर के लिए बेहोश होता है। तो उसका तरीका, जब भी मिर्गी का दौरा पड़ा, उसको नाक में दवाई डाली और छींक आई, उसको कीड़ा बाहर गिर गया, तो भैंस का गोबर उस पर डालना पड़ता है, फिर नहीं वो जंप कर सकता। फिर आधे घंटे बाद गोबर में से निकाल के धो के उसको डिब्बे में बंद करके आप लेबोरेटरी में कहीं भी टेस्ट कराने जाएंगे तो कहेंगे नहीं, ये इंसान के अंदर का कीड़ा नहीं। परंतु वहाँ पे उनको संचेत किया जाता है कि अपना नाक बंद रखें, ऐसे तो बंद रखते हैं परंतु कई बार लापरवाही होती है, ये जंप करके नाक में चला जाता है, घुस जाता है, फिर दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। मुंह इसका काला है, बाकी रंग जैसे हमारी चमड़ी का ऐसा रंग होता है इसका। जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो रोगी तड़फता बहुत है और मुंह से झाग आती है, तो मिर्गी का है। और मिर्गी का दौरा कम से कम आधा पौना घंटा रहता है लगातार। जब वो कीड़ा अपनी खुराक पूरी कर लेता है तो आदमी होश में आ जाता है। अब इस कीड़े को निकालने के लिए हमारे पास एक नहीं ऐसे सैकड़े दवाइयाँ हैं। अभी टीवी के माध्यम से जो आपको दवाई बताने जा रहा हूँ, इसमें 5 गब्ब्या और 5 ही चीज़ें और मिला करके 3-3 ग्राम की खुराक दिन में 3 बार देनी पड़ती है, इसको दोहरानी पड़ता। अब इसमें सौंठ, पीपल, काली मिर्च, काला नमक और हींग, इसमें सौंठ, पीपल और काली मिर्च तो 10-10 ग्राम है और काला नमक इसमें 30 ग्राम है अच्छा, और हींग इसमें 3 ग्राम है। ये सारी चीजें पीस करके आपकी 20 दिन की खुराक हुई है, 20 दिन बाद फिर बना लो। और पीस कर इसका पाउडर बनाया जाता है और इसको दिया जाता है 5 गब्बे के साथ। 5 गब्बे होता है गंगा जल, गाय का दूध, गाय का पेशाब और शहद, 5 होगी ना। जी गंगा जल, जी शायद गाय का दूध, जी गाय का घी, गंगा जल, दूध, गाय का मूत्र, अच्छा, घी और शायद। अब इसको 5 गब्बे बोलते हैं हम, जिसमें तुलसी के पत्ते भी डालने पड़ते हैं, परंतु तुलसी के पत्ते साफ तो नहीं डालते हैं, अच्छा, साबुत इनको काट के डालते हैं, तोड़ के डालना। तोड़ के डालना है और कम से कम 10 मीटर पत्ते अंदर रहने चाहिए, अच्छा, तब जाके होता है। और इसमें सोने चांदी का कोई जेवर धो दो तो इसकी ताकत बढ़ जाती है, उसके साथ ही देना पड़ता है। कितनी देर उसको रखना चाहिए उसमें? आप सुबह से शाम तक भी रख सकते हैं, ज्यादा बना के रख लो ना। अच्छा, अब एक बारी में जो 3 ग्राम आपने देना है इसको पक्की, इसमें कम से कम आपको ये 20 ग्राम होना चाहिए। अब उसके लेने से
एक घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना पीना तो ये काम करेगा। अब इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि अंदर जाकर कीड़ा मर जाता है। अच्छा, अंदर ही मर जाता है। अंदर ही मर जाता है। और जब भी इसको छींक आएगी तो बलगम के साथ एक कीड़ा नीचे गिरेगा, परंतु एक जैसे गोबर के अंदर कीड़ा होता है एक उस जैसे मोटा कीड़ा है। इसकी मोटाई कम से कम आधा इंच होती है। आधा इंच? हाँ, और लंबाई इसकी 1.5 इंच से 2 इंच तक होती है। क्योंकि मैंने जिन रोगियों के नुकलाए हैं, जिनको राम कराया है, उनके कीड़ों की लंबाई मारने के बाद, क्योंकि जब लेबोरेटरी में निकालते हैं तो चिमटी से पकड़ के पहले उसका मुंह तोड़ देते हैं। अच्छा, मुंह को तोड़ के तभी का करते हैं। उसका कारण? यदि जीवित रहेगा ना तो जंप करके चले जाएगा अंदर। अच्छा, ताकि दोबारा नुकसान ना हो। हाँ, और जिससे ये काम कराते हैं ना, जो गोबर डालता है उसके ऊपर, जी, उसको भी सावधानी से रखते हैं। जब उसके अंदर से निकालते हैं और चिमटी से फिर उसको धो के डिब्बे में बंद करते हैं तो उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। यह अब उस रोगी को 3 महीने के लिए मीठा हर किस्म का बंद कर दिया जाता है, शहद के अलावा। शहद आप जितना मर्जी दें, चीनी, गुड़, शक्कर ये खाने को नहीं देते। इसमें एक शर्त है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मिर्गी का दौरा और चेहरे का दौरा दोनों पड़ते तो एक जैसे हैं। मिर्गी के दौरे में तो झाग आती है मुंह में, और चेहरे के दौरे में झाग नहीं आती। अच्छा, तो इनकी दवाइयां फिर अलग अलग है। अच्छा, इसीलिए इन दोनों की दवाइयां अलग होती अलग है। अब जिसको चेहरे का दौरा पड़ता है, इसको दौरा पड़ेगा रात को सोए सोए ज्यादा, और ये कहीं भी पड़ जाता है। परंतु मिर्गी का दौरा जो पड़ेगा, या तो पानी के किनारे, या ऊंची जगह पे, या भीड़ में, या तेज रोशनी में। अच्छा, ये इसकी विशेषता है। और चेहरे का दौरा रात को ज्यादा कर तो सोए सोए पड़ता है, ऐसे कभी भी दिन में ही पड़ जाए तो इसमें ये नहीं है जरूरी कि भीड़ में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, किसी टाइम में पड़ जाता है। तो उस दौरे के ये तो तभी मैं बात करूंगा जब उसका सीरियल आएगा। परंतु ये जो चूर्ण बनाया है जिसमें सौंठ, पीपल, काली मिर्च, काला नमक और हींग है, ये उस दौरे को भी खत्म करता है ऐसे। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर ताकत यह है कि जहाँ पे ये चीजें आके बैठती हैं वो जगह साफ हो जाती है। जैसे अग्नि जला के कूड़े कट को जला देते हैं, ऐसे जहाँ पे चीज के बैठने का स्थान है वो स्थान ही अग्निमय हो जाता है। अग्नि में कौन बैठेगा? बिल्कुल, ये अग्नि है किस्म की। और एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जिसको भी दौरा चाहे मिर्गी का पड़े चाहे चेहरे का पड़े, इस आदमी को 3 महीने तक अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ना कोई साथ होना चाहिए। और ऐसे इनके लिए टेम्परेरी इलाज है कि लहसुन का रस निकाले और उसको कम से कम 40 दिन तक धूप में रखें, हींग डाल करके 40 दिन के बाद उसको छान ले। अब वो ड्रॉपर में रख ले। अच्छा, जब भी कभी इनको दौरा पड़ जाए तो उसकी 2 बूंद नाक में डालो, कितनी बेहोशी में मरीज उसी टाइम उठ के बैठ जाएगा। जब ये आपने परीक्षा कर ली कि हाँ ये दवाई पूरा काम कर रही है, ठीक हो गया,
इससे भी छींक आती है। छींक आएगी, कीड़ा निकलेगा तो गोबर होना चाहिए, तो बिल्कुल उस कीड़े को ढक के रख लो। आधे घंटे के बाद उस कीड़े को गोबर में से निकाल के धो के डिब्बे में बंद कर ले। फिर जहां भी आप लेबोरेटरी में टेस्ट कराएं, चाहे 2 महीने बाद भी कराएं, मरा हुआ नहीं मिलेगा। अच्छा, जीवित रहेगा। हाँ गुरु जी, जैसा कि आपने दोनों चीजों के बारे में बताया और एक कीड़े के विषय में आपने कुछ बताया, जो ये कीड़ा होता है, क्या ये अपने आप से पनपता है या बाहर से आता है या किस वजह से ये होता है, वो वजह हम जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि हम जो कुछ खाते पीते हैं, अच्छा, और हमारे खाने पीने में लापरवाही हो गई, तो ऑटोमेटिक अंदर पैदा हो जाता है। अच्छा, अब एक द्वारका से औरत आई थी मेरे पास, ये 2004 की बात है जी। उसको 20 साल से दौरे पड़ रहे थे, 20 साल से। हाँ, और वो इलाज करा रहे थे, बंद नहीं हो रहे थे। यहाँ आने के बाद जब उसका उपचार कराया तो 2 महीने में उसके दौरे बंद हो गए थे। उसके बाद उसने कई मरीज भी भेजे। अच्छा, अब उस औरत ने तो इंटरव्यू नहीं दिया था, परंतु जो लड़का भेजा था वो एक फौजी का लड़का था, उसको कई बीमारियां थी, परंतु जब वो ठीक हुआ तो उसने उस औरत का भी बताया था कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को भेजा है, तब मेरे को आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। किसी व्यक्ति को अचानक से कोई मिर्गी का दौरा पड़ रहा होता है, उस दौरान उपचार को सही करना, वो तो बाद में बाद का विषय है कि करेंगे, लेकिन तत्काल उपचार एक होता है कि उस समय उसकी अचेत जो स्थिति है वो ठीक हो जाए। यदि आपके पास प्याज है जी, तो उसको तोड़ के 2-2 बूंद नाक में डाल दो, उसमें आ गया। प्याज का रस नाक में डालने से बस होश में आ जाता, होश आ जाता है। कभी भी किसी आदमी को बेहोशी हो जाए जी, प्याज का रस नाक में डालते ही आदमी होश में आ जाता है जी। और एक विशेषता और है कि यदि रस नहीं निकलता है तो प्याज को काट करके तड़फड़ा वो नाक के पास ऐसे लगा दो, जैसे नाक से सांस के द्वारा महक गई या मुंह से उसको महक गई, दौरा बंद हो।